अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ुल तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं सातवीं जमात का रियाजी मज़मून मैथ सब्जेक्ट का सबक नंबर 14 जो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसका नाम है अलजेबरी ज़ाबते और मुरब्बे की तौसी। मुरब्बे की तौसी, ठीक है, जिसका लेक्चर नंबर 1 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो फार्मूला दिया हुआ है, दो ज़ाब्ता दिया हुआ है। इस ज़ाब्ते को समझना है कि ए जमा बी का मुरब्बा बराबर ये होता है ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। ए जमा बी स्क्वायर बराबर, जो इसको हम तौसी बोलते हैं, एक्सपांशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तौसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपांशन। तो ये जो है ए जमा बी स्क्वायर का जो है ये तौसी सूरत है। कौन सी सूरत है? तो उसी सूरत है, इसको एक्सपांड करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। वैसे ही a माइनस बी स्क्वायर ये जो बराबर होता है, इसका जो उस तोसी करेंगे हम, एक्सपांड करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर जमा आ गया है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया। तो हमारा पूरा आज का लेक्चर जो है इसी दो ज़ाब्ते की बुनियाद पर रहेगा। इसी दो ज़ाब्ते की बुनियाद पर हम जो यहाँ पर मश्क की सवालात भी हल करने वाले हैं, और लेक्चर नंबर 1 हमारा पूरा जो है वो इसी ज़ाब्ते पर रहेगा। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखना है कि मश्क की सवालात नंबर 50 जो यहाँ पर दिया हुआ है, 5a जमा 6b कॉस की दूसरी कुव्वत 5a प्लस 6b इन इस ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ है 5a जमा 6b कॉस की दूसरी कुव्वत। अब हमको क्या है यहाँ पर सवाल, इसको हम तौसी करके लिखना है। कैसे लिखना है? तौसी कीजिए। सवाल क्या है? सवाल तौसी कीजिए, यानी उसको एक्सपांड करके लिखना है हमको। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे कि यहाँ पर जमा की अलामत इस्तेमाल हुई बीच में, तो हम इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला फार्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ इसको जो ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, ठीक है। ए जमा बी बराबर कॉस की, और ए जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर जो है, ए जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर, हम इसको ए मान सकते हैं, 5a को ए मान सकते हैं, 5a को ए मान सकते हैं, जमा 6b को हम बी मान सकते हैं। अब इसको हम एक्सपांड करके हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले ए स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने किसको माना है? 5a को, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर जमा 2ab, तो 2 ज़रब a क्या माना है? 5a माना है हमने, तो 2 ज़रब 5a ज़रब 6b, ठीक है, जमा बी स्क्वायर का है, बी क्या है? 6b है, तो 6b स्क्वायर हो जाएगा, 6b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें यहाँ पर और हल कर सकते क्या देखेंगे, तो देखेंगे तो 5 के मुरब्बा हो जाएगा 25a स्क्वायर, ठीक है, 25a स्क्वायर जमा, ये नंबर को नंबर से ज़रब देंगे, तो 2 × 5 = 10, 10 × 6 = 60, 60 ab हो जाएगा। ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अदर जो अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 6 का मुरब्बा होता है 36 b², ठीक है, 36 b², तो ये उसका तौसी सूरत होगी, इसकी तौसी सूरत ये होगी, 25a² जमा 60ab जमा 36b², ये इसकी जो है तौसी सूरत होंगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ईजी फोन सिंपल है, सिर्फ हमको जो है फार्मूला याद रखना है, ज़ाब्ता जो है उसको याद रखना है, और जो उसकी तौसी सूरत है उसको हम याद करना है। हाँ, जैसे यहाँ पर a जमा बी की ब्रैकेट स्क्वायर जो है, इसका तौसी सूरत क्या है? ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे a माइनस बी स्क्वायर का बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी को हमको यहाँ पर फॉर्मूले में रख कर जो है इसको हमको तौसी सूरत में हमको लिखना है, ठीक है। तौसी का मतलब होता है उसाद देना, उसको एक्सपांड करना, उसको जो है थोड़ा बड़ा करके लिखना। क्या होता है उसको थोड़ा सी हमको क्या करके लिखना है? बड़ा करके लिखना है। अब प्यारे बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 जमा 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हमको तौसी सूरत में लिखना, तौसी कीजिए। यहाँ पर सवाल हमारा वही है, तौसी कीजिए, यहाँ पर देखेंगे ये सवाल हमारा है, तौसी कीजिए। तो यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ जमा की अलामत बीच में है, तो हम इसको ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारा फार्मूला रहेगा, ए जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर बार ए, इसका तौसी सूरत क्या है? ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, ठीक है।
तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर ए बटे दो है, तो ए बटे दो ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं उसको, जमा टू ए बी, तो दो ज़रब ए बटे दो ज़रब बी बटे तीन, जमा बी कौन सा माना हमने, बी बटे तीन, तो बी बटे तीन स्क्वायर, ठीक है, बी बटे तीन जो है स्क्वायर, ये हमने देखे यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखे इसको। अब उसके बाद में प्यारे बच्चों देखेंगे हम, तो ये दो का मुरब्बा कितना होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे चार, ठीक है, ए स्क्वायर बटे चार, जमा अब ये दो और ये दो कट जाएगा, ये दो और ये दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए बी बटे तीन, ए बी बटे तीन, जमा अब ये तीन का मुरब्बा कितना होता है, नौ होता है, तो बी स्क्वायर बटे नौ, ये हमारा जवाब होगा, ये हमारा जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमको फार्मूले में जो है फार्मूले के ज़रिए से उसको एक्सपांड करना है, उसको ही तौसी सूरत लिखना है यहाँ पर, और उसके अलावा कुछ नहीं प्यारे बच्चों यहाँ पर। अब देखिए तीसरा सवाल हमारा है 2p-3q ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है, अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसकी तौसी सूरत क्या रहेंगी, देखेंगे हम ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 2p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2p स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 2p स्क्वायर, उसके बाद में कॉस में लिख देंगे इसको, उसके बाद क्या माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, फिर दो ए बी है, तो दो दो ज़रब ए क्या है, 2p है, ज़रब 3q, ठीक है, जमा बी स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, दो का मुरब्बा कितना होता है, चार होता है, दो का मुरब्बा कितना होता है, चार होता है, तो 4p स्क्वायर हो जाएंगे ये, ठीक है, माइनस 4p स्क्वायर, अब दो नंबर को नंबर से ज़रब देंगे और हर्फ को अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से, तो दो दो चार, चार तीन बारह, 12p q, ठीक है, जमा तीन का मुरब्बा होता है 9q स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों, तो यही हमारा जवाब होगा, ये हमारा जवाब होगा, ये इस तरह जो है हम तौसी सूरत में इस दिए हुए सवाल को लिख सकते हैं, दिए हुए सवाल को हम तौसी सूरत के अंदर जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा सवाल नंबर एक अभी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, अब हम जो है सवाल नंबर दो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर दो जो है यहाँ पर हम जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर दो देखेंगे, 8-1/x ब्रैकेट स्क्वायर इस दो रुकनी का मुरब्बा ज़ैल में से कौन सा होगा, मुतबादी ने चार ऑप्शन दिए हुए, हमको पहचानना है कि चारों ऑप्शन में से इसका जो है दो रुकनी का मुरब्बा ज़ैल में से कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको ए कर सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं, ठीक है, तो ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, तो देखेंगे ए का मुरब्बा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का मुरब्बा हो जाएगा माइनस 2ab, तो दो ज़रब ए कितना है 8 है, ज़रब बी कितना है 1/x है, ठीक है, जमा बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64 माइनस 2 ज़रब 8 ज़रब 1/x, 2 ज़रब 8 ज़रब 1/x जो है अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमको जवाब इसका आएगा कि 16 बटे 2 अटी 16, अभी ऊपर एक दो एक को नहीं काउंट करते, तो 16 बटे x जमा हो जाएगा ये 1/x स्क्वायर, ठीक है, 1/x स्क्वायर, और यही हमारा जवाब होगा। अगर आप गौर करें तो मुतबादिल नंबर तीन जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, मुतबादिल नंबर तीन जो है हमारा सही जवाब रहेगा, चार ऑप्शन में से मुतबादिल नंबर तीन जो है ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सवाल नंबर तीन देखेंगे, सवाल नंबर तीन, m² × n² जमा 14 mnpq जमा 49p² × q², यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मसावात दी हुई है, दर जेल में दो रुकनी की मुरब्बई सूरत है बताइए, तो हमको यहाँ बताना है कि किसकी मुरब्बई सूरत है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको बताना है यहाँ पर कि कौन सा जो है, तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे हम जो है अगर
यहाँ लॉजिक लगाना, थोड़ा हमको मुतबादिल में गौर करना है। तो अगर चार नंबर मुतबादिल हम देखते हैं तो वो है एम एन प्लस सेवन पी क्यू, एम एन प्लस सेवन पी क्यू। अगर हम इसकी मुरब्बई सूरत लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी अगर हम मुरब्बई सूरत लिखते हैं प्यारे बच्चों, एम एन एम एन प्लस सेवन पी क्यू, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे गौर करना है कि अगर हम इसको एक्सपांड करके लिखते हैं, इसको अगर एक्सपांड करके लिखते हैं, जैसे हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। ए का स्क्वायर हमें लेना है, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ए हो गया। अब सेवन पी स्क्वायर, तो यहाँ पर दिया हुआ है जमा दो ज़रब चौदह, सॉरी दो ज़रब सात, दो ज़रब सात, ए क्या है, सॉरी दो ज़रब एम एन ज़रब सेवन पी क्यू जमा सेवन पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, सेवन पी क्यू स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, अब दो साथ ही चौदह, ठीक है, तो चौदह एम एन पी क्यू जमा सात का मुरब्बा लेंगे तो उन पचास हो जाएगा, सात का मुरब्बा लेंगे उन पचास हो जाएगा, और ये पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, तो हमको ये जवाब मिलेगा। इस मुतबादिल के ज़रिए से हमको जो है ये मुरब्बा दो रुकनी का जो हमको हासिल हो रहा है, दो रुकनी की मुरब्बई सूरत जो हासिल हो रही है, मुतबादिल नंबर जो है वो चार से हासिल हो रही है, चार नंबर मुतबादिल से हमको जो है ये इसकी मुरब्बई सूरत जो है वो हासिल हो रही है, ठीक। अब अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर चार दिया हुआ है, तौसीही ज़ाब्ते की मदद से कीमत मालूम करो, तौसीही ज़ाब्ते की मदद से हमको क्या करना है, कीमत मालूम करना है, 997 का मुरब्बा हमको निकालना है। हम चाहे तो इसको 997 को 997 दर्ब देकर हम जो है मुरब्बा निकाल सकते हैं, इस तरह से मुरब्बा निकाल सकते हैं, इनको ज़रब देकर, पहले सात से ज़रब देंगे, फिर उसमें से सिफर लगाएंगे, फिर नौ से ज़रब देंगे, फिर दो सिफर लगाएंगे, फिर नौ से ज़रब देंगे, फिर उनकी जमा करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमको टाइम लगेगा इसमें, इसमें क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि तौसीही ज़ाब्ते की मदद से हमको कीमत निकालना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा तौसीही ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, इसको हमको समझना है कि 997 को हम जो है 997 को 1000 माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 1000 माइनस 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं, 997 को 1000 माइनस 3 भी लिखेंगे तो वही कहलाएगा। तो यहाँ पर हमको एक ज़ाब्ता, जो तौसीही ज़ाब्ता है वो इस्तेमाल करने का हमको, इस तरह से लिखने के बाद करने का हमको मौका मिल जाएगा। इसको हम ए तस्लीम कर लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। अब जो है माइनस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो देखेंगे उसका फार्मूला, हम तौसीही करेंगे उसको एक्सपांड करेंगे, तो ए का मुरब्बा है तो 1000 का मुरब्बा, ठीक है, जमा दो ए बी, तो दो ज़रब हज़ार ज़रब तीन, जमा बी स्क्वायर, आखिर में बी स्क्वायर है तो तीन का मुरब्बा ले लेंगे, तीन का मुरब्बा। अब इसको हल करेंगे हम, हज़ार का मुरब्बा लेंगे तो तीन सिफर दिए हुआ है, तो हज़ार का मुरब्बा मालूम करने का हम उसको सिफर को डबल कर देंगे, क्या करेंगे हम सिफर को, तो एक एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, जमा अब दो को हज़ार से ज़रब देंगे, दो हज़ार हो जाएंगे, और ये दो हज़ार तीन, दो हज़ार तीन, जमा तीन का मुरब्बा नौ, ठीक है। अब इन तीनों की जमा करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000000, कितना हो जाएगा 1000000, सॉरी यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। अब 1000000 में से ये दो को हम हज़ार से ज़रब, 2000 हो गया, और 2000 को तीन से ज़रब देंगे तो 6000 होगा, सॉरी ये 6000 हो जाएगा, कितना हज़ार हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तीन को हज़ार से ज़रब दे 3000, और 3000 को दो से ज़रब दे तो तीन दूनी 6000, ठीक है। अब 1000000 माइनस 6000 जमा 9, तो हमको जवाब मिलेगा 1000000 में से हम 6000 9 माइनस करेंगे तो 994000, 994009, ठीक है, 94009।
यहाँ प्लस जमा है तो हमको प्लस जमा करना पड़ेंगे। 10 लाख में 6 हज़ार निकालेंगे तो हम 9,94,000 आएगा, उसमें 9 प्लस कर देंगे तो 9,94,000, 9 जो है ये 997 का मुरब्बा रहेगा। तो तौसीफ़ ज़ाब्ते की मदद से हमने यहाँ पर जो है इसको मालूम करें। अब प्यारे बच्चे इसके बाद एक इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, यहाँ पर हमने माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल किए थे, अब प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चे सवाल नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है कि हमको तौसीफ़ ज़ाब्ते की मदद से 102 का मुरब्बा मालूम करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने के लिए हम इसको टुकड़ा करके लिख सकते हैं, इसको टुकड़ा करके हम तो 100 जमा 2 भी लिखेंगे तो हमको 102 ही कहलाएंगे, ये 100 जमा 2 भी लिखे कभी तो हमको ये 102 ही कहलाएगा, तो इसका मुरब्बा, ठीक है। तो हमको ये फार्मूला यहाँ पर एक जो ज़ाब्ते हमको मिल रहा है 1 जमा b ब्रैकेट स्क्वायर, तो हम 100 को a मान लेंगे और 2 को b मान लेंगे, ठीक है। अब एक्सपांड करके इसको हम तौसीफ़ की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मुरब्बा फार्मूला जो इसको रखेंगे हम, तो ये 100 का मुरब्बा हो जाएगा, 100 का मुरब्बा जमा है तो जमा लगाएंगे, 2 ज़रब a b, तो ए बी का मतलब होता है ये ए और ये बी, तो 100 ज़रब 2 जमा b स्क्वायर, तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 सिफर है तो मुरब्बे में 4 सिफर हो जाएगा, तो 1 2 3 4 जमा ये 2 को 100 से ज़रब देंगे 200 हो जाएगा, 200 को 100 से ज़रब देंगे 400 हो जाएगा, ये 400 जमा ये 2 का मुरब्बा 4, ठीक है। अब ये 10,404 जमा करेंगे, 10,000 में 400 मिलाएंगे तो 10,400 और उसमें 4 मिलाएंगे तो 4, तो 10,404 हमारा जवाब होगा, 10,404 ये हमारा जवाब होगा। तो 102 का मुरब्बा जो रहेगा वो रहेगा 10,404। हम चाहे तो उसको ज़रब की सूरत में भी बनाकर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सवाल में पूछा हुआ है कि तौसीफ़ ज़ाब्ते की मदद से हमको कीमत मालूम करना है, तौसीफ़ ज़ाब्ते की मदद से हमको क्या करना है, कीमत मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सबक नंबर 14 का अलजेब्रिक ज़ाब्ते और मुरब्बे की तौसीफ़, इसका लेक्चर नंबर हमारा 1 जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तमाम बच्चे इन दोनों फार्मूलों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, पूरा लेक्चर जो इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, डिपेंड है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, आइंदा लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।